और कोई लोकल आदमी कोई बाहर का थोड़ी हाँ, ले गया ये है। लोकल के ही ले गया है बाबा जी। हाँ बाबा जी को सुरक्षा रखनी चाहिए इस टाइप से ना बाबा जी, हाँ। क्योंकि बाबा जी यहाँ अकेले रहते हैं यार, आप यहाँ जंगलों के बीच में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब यार फिर से चोरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और शिव जी का मौत है, इधर को ब्रह्मचारी महाराज देखते रहे तो शिव जी सीधे यहाँ पहुँच गए। और बर्तन हरदे इतने बड़े बड़े डेग एक थे, सब चोर के लिए गए। हर हर महादेव, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। तो गाइस फाइनली मेरा यार बैटरी हो चुकी है लो, 1% बैटरी बची, और यही वीडियो बनाते बनाते ना बैटरी बना लिया, शट पट डाउन। फिर तुम्हारा भाई उसके बाद क्या करेगा ना, सबों के फ़ोन लेगा। अभी यहाँ से ऊपर को जाते समय अभी आधा रास्ता और बचा है पैदल ट्रैक का, तो अभी भाई का फ़ोन ले लूँगा मैं, फिर उसके बाद ऊपर जाके उसकी बैटरी लोगी तो किसी और का फ़ोन ले लूँगा। लेकिन आपको शेयर करना है इस, आपके लिए आया हूँ मैं आज आपको दिखाने के लिए। मतलब यहाँ जो भाई वो वाइब आती है ना भाई, मतलब एक अंदर सुकून मिलता है भाई यहाँ आके ना, ऐसी जगह पर आने के बाद वो मैं बता नहीं सकता ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप यहाँ आओ यार भाई, काफ़ी अच्छा है। अगर आप काडुआम हल्द्वानी लोकल में रह के ना, नैनीताल भीमताल भौली कहीं से भी हो आप, अगर आप हल्द्वानी लोकल जैसे एरिया में रह के ना, छोटा क्लास नहीं आए हो ना, तो यार बेकार हो आप लोग, मतलब क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा है। मतलब यार देखो मैं ना, क्योंकि लोग कहते हैं यार हम पैदल ट्रैक में आज यहाँ जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, मेरा मानना है कि यार देखो भगवान ने किया है, मानना है तो दिल से मानो। और जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन है ना भाई मंदिरों में, तो आप जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह नहीं जा सकते हो, तो आप छोटा क्लास आ सकते हो। आप देख सकते हो बैठने उठने के सब कुछ बढ़िया है, बस ये है ना यहाँ आपको खाने पीने की दुकानें नहीं मिलती हैं। जब पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है तो आपको नीचे एक दुकान पड़ती है, आपको वहीं से सबको लेना पड़ता है। मैं जाते समय आपको दिखाऊंगा कि वो दुकान कौन सी है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं आपका ऊपर पे ही, और मिलते हैं सीधे ऊपर पे। जैसा मेरे पीछे देख रहे तो ये सब मेरे ख्याल से बैठने का बना रखा है क्लास में, जहाँ पे मीना बाजार लगते हैं ना, मीना बाजार के जस्ट पीछे भी है ये। आई मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ भाई, ये काफ़ी अच्छा बना रखा भाई बैठने का। देखो अभी हम यहाँ बैठने बहेंगे। तो गाइस अभी हम आपका पहुँच चुके हैं मीना बाजार में, और मीना बाजार जो होती है ना क्लास की लास्ट बाजार होती है। यहाँ आपको लास्ट के बाद जब क्लास आओगे तो आपको यहाँ शिवरात्रि के टाइम पे आपको यहाँ पे मतलब बाजारें मिल जाएंगी, आपको यहाँ बाजारें मिल जाएंगी। जो यहाँ बाजारें लगती है ना, यहाँ लास्ट बाजार लगती है, इसके बाद आपको ऊपर कोई बाजार नहीं मिलेगा। और यहाँ पर से जो रहता है ना, आपको जो सामान लेना होता है आपको सब यहीं से लेना पड़ता है, उसके बाद आपको कोई दुकानें नहीं मिलती हैं। तो अब हम यहाँ से, हमें काफ़ी लेट भी हो गया, अब अपनी यात्रा में यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जय महादेव। तो गाइस जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये है छोटा क्लास, और ये हमारा ट्रैक अभी लास्ट बचा है। बम 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 बम। गाइस मैं ऐसे बम बम भोले वाले नारे लगा रहा हूँ, हमारे साथ लोग पहाड़ में, वहां तक आवाज जा रही है, ये होती है शक्ति महादेव की। बम बम आवाज देना गाइस, गूंज रही आवाज। बम 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 बम। हर हर महादेव। भाई साहब आवाज गुज रही ऊपर है, अब हम तेज चल लेना, हल्के चल लूंगा। बजा दो फिर क्या हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलो चलते हैं कैलाश यात्रा पे अब। तो गाइस कैलाश का जो रास्ता रहता है ना, वो कुछ इस टाइप से रहता है, अब तो बहुत अच्छा बन चुका है। मतलब ये रास्ता इतना चौड़ा, और नहीं तो पहले खाई जैसा था। मतलब अभी कैलाश में यहाँ इतनी भीड़ होती है ना कि आप यहाँ के सर्च मार के ब्लॉग देखना भाई, कैलाश के जब शिवरात्रि होती है भाई, चलने की जगह नहीं होती, चलने की जगह, तो उससे बहुत रिस्क होता है यहाँ पे। और पहले तो बहुत अच्छा बना दिया हर जगह बैठने का भाई। और ये रास्ता पूरा ऐसे बता गया इस, आपको पहले ऐसे दिखेगा रास्ता, फिर ऐसे ऐसे ऊपर दिखेगा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर, ऐसे करते करते ऊपर है। अभी ऊपर सामने भी मंदिर है, हमने यहाँ जाना है। तो गाइस अभी हम आपका पहुँच चुके हैं
मंदिर में और काफी ज्यादा आ रहा है हमें यहाँ पे मजा भाई। मतलब ये सुकून मिलता है ना भाई अंदर से, वो मिल रहा है यहाँ पर आके। अभी तो आपने देखी जाएगी इतना प्यार आ रहा है। हम भाई ऐसे ही हंसते खेलते जा रहे हैं, मतलब गाना बजाते बजाते सुनते सुनते। और कहाँ नदी? अबे भाई क्या मजा आ रहा है नदी देख के। गैस वो देखो नीचे नदी दे रही नदी ये। गैस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं छोटा गिलास में। सामने पे हमारा छोटा गिलास दिखाता हूँ आपको मैं। ये है भाई छोटा गिलास, सामने पे छोटा गिलास का गेट है। और बाकी तो सब ऊपर पहुँच चुके हैं, हमें दो बचे हैं बस। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे सारे भाई लोग जब पहुंच गए। अभी तो हमारे सारे भाई लोग कर रहे हाथ अपने धो के, हमारे सब भाई लोग। हेलो भाई, पहले हम करेंगे पूजा। और सुबह जब मैं उठाना मेरी घड़ी खराब हो रही थी। तो यार गाइस अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और हमने पूजा पाठ भी सब कुछ कर लिया है। और ना अभी हमने सब कुछ पूजा पाठ कर लिया है और हम सब जने यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हमारा जो यहाँ का प्लान था कि हम घर से कुछ खाना नहीं खा के आए थे, तो हमने सोचा था यहीं आके कुछ बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम पुलाव वगैरह बनाएंगे वेज। तो अभी मैं यहाँ पर ना आपको बाबा जी से मिलाता हूँ और बाबा जी से कुछ पूछते हैं कि यहाँ की जो खासियत वगैरह है वो क्या है। वैसे हमें पता तो है कि यहाँ से शिव जी भगवान ने रावण का युद्ध देखा था बैठ के, क्योंकि उस समय पे सबसे ऊंची चोटी मिली थी उन्हें बैठने के लिए जब वो यहाँ से गुजरे थे। तो ना यहाँ से बैठ के कहते हैं रावण और रावण का युद्ध देखा था। मतलब मुझे तो इतना पता है कि वो सच बात है, लेकिन अभी बाबा जी से पूछेंगे। अभी कुछ और भी श्रद्धालु आए हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अभी वो पूजा पाठ करते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। और जो मेरे पीछे पे गए देख लूँ ना, ये पूरा ये है छोटा गिलास। तो यहाँ पे शिव जी भगवान ने बैठ के यहाँ से आपका रावण और रावण का युद्ध देखा था भाई। तो ये भी हमारा एक भाई, हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं जो हम देवभूमि में पैदा हुए हैं और देवभूमि में रहते हैं भाई। और यहाँ से वहाँ से जो होता है प्रवेश द्वार है जो वाला है वो है प्रवेश द्वार। और यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद, यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद जो पीछे में आप मेरे देख रहे हो, यहाँ से नीचे चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर ना नीचे पर एक वो है मंदिर, वहाँ पे बाबा जी की कुटिया है। बाबा जी यहीं रहते हैं जो आपको दिख रहा, बाबा जी यहाँ रहते हैं। अभी नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और सामने पे एक मंदिर ही है और यहाँ भी पूजा पाठ करनी पड़ती है, हमने कर लिया सब्जी की पूजा। और यहाँ पे भाई यह है कुंड, मतलब यहाँ पे शिवलिंग का कुंड बनाया था हमें पानी का। तो यह सब पानी भर चुका है भाई, अभी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब पानी बल्ले यहाँ पे जो है पानी है, यहाँ पानी वगैरह पीने का आता है स्रोत का पानी। और यहाँ से ना नैनीताल भी दिखता है, सामने पे दिख रहा है ना आपको उधर साइड पे ये। हाँ तो यह है आपका नैनीताल। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ना भाई घोड़े से आए हैं, घोड़े में सफ़र करके यहाँ आए भाई। ये अंकल आए हैं शायद, अभी इसमें बैठ के जाएंगे। तो यार यहाँ पर अभी हमारा फोटो सेशन ख़त्म हो गया है। अभी मैं कुछ बाबा जी से यहाँ पे कुछ पूछूंगा मंदिर के बारे में, और जितना बताएंगे बाबा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ यहाँ के बारे में। क्यों सतयुग का मंदिर हुआ? सतयुग में हैलाकांड नाम में ब्रह्मचारी महाराज उनके भक्त थे, शिव जी खुद अपने भक्त के पास पहुँचे हैलाकांड। तो वहाँ गुफा के वहाँ पर बैठे और शिव जी का मौत आई इधर को, ब्रह्मचारी महाराज देखते रहे तो शिव जी सीधे यहाँ पहुँच गए गुफा के। अच्छा, अंदर के जो हैडाखाना वाली गुफा है। हाँ, गुफा से यहाँ पहुँच गए, वहाँ सिंगल दिखे थे शिव जी उनको। यहाँ पे आके माता पार्वती भी मिली थी,
ये जो मंदिर ये लिंग जो है ये शिव जी के सतयुग में अपने हाथों का रखा हुआ। अच्छा जाला। हाँ जिसमें मैंने फूल रखे अंदर। अच्छा, सबसे छोटा वाला है। तो यहाँ से एक ही रात रुके थे, एक ही रात का मेला होता है यहाँ। अच्छा। यहाँ पे जो है गौमुख धाराएं थी, किसी माँ बहन ने वहाँ पे स्नान कर दिया था माहवार में चौथे, वो लुप्त हो गई। वो तीन जगह निकली है, पिंदरों, पस्तोला और हेड़ाखान। न वो बरसात में बढ़ती है न गर्मियों में घटती है। ये हुआ यहाँ। पहले जब यहाँ पूजा करते थे तो कहाँ से आते थे? केदारनाथ से पंडित। अच्छा। तो बाद में हमारे बाप दादाओं ने, दादा परदादाओं ने यहाँ पे पूजा संभाली थी। और यहाँ बताते हैं यहाँ भगवान शिव जी ने राम रावण का युद्ध भी देखा था। हाँ, ये कहावत तो खैर मैंने भी सुनी है और हाँ। ये कहावत मैंने बहुत उसे सुनी है। पर वो पर्वत सजानी बोलते हैं, वहाँ से गौतम ऋषि जल चढ़ाने यहाँ आते थे। 12 किलोमीटर दूरी में है ये गौतम गंगा हुई। हर रोज गौतम गंगा रास्ता देती थी। गौतम ऋषि महाराज कमंडल लेके आते थे। एक दिन गौतम गंगा ने कह दिया कि आज मैं तुम्हें रास्ता नहीं दूंगी। अच्छा बाबा जी, अहंग में आई गंगा। गौतम गंगा यही तो हुई गौला, जिसको गौला बोलते हैं। इसका नाम गौतम गंगा। हाँ, गौतम ऋषि जल चढ़ाते थे तो एक दिन रास्ता नहीं दिया। गौतम ऋषि ने कमंडल तो था ही, उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा अगर मुझे आज रास्ता नहीं मिला तो मैं तुझे समंदर निकाल दूंगा। तब समय याचना मांगी गौतम गंगा ने। तब गौतम ऋषि महाराज ने कहा कि भाई अगर ऐसा है, पूरा श्राप तो वापस ले नहीं सकता हूँ, कुछ कम कर सकता हूँ। क्या कम कर सकता हूँ? यहाँ से हेड़ाखान से तीन नदियाँ हैं, हरिस्थाल से आती है, खनसा से आती है, सांपी से आती है। तो ये गर्मियों में केवल नहीं, ये बरसात में केवल 4 ही महीने वो गौतम ऋषि का श्राप हुआ कि 4 महीने मलमूत्र बहाओगी एक लोगों की, उसके बाद हेड़ाखान के से ऊपर तीनों नदियाँ 3-3 किलोमीटर ऊपर सूख जाओगी। अब 2 महीने बाद यहाँ आप आओगे तो आपको 3-3 किलोमीटर ऊपर को सूखा मिलेगा हेड़ाखान में, वो पानी हेड़ाखान निकलता है। अच्छा, तो मेरा श्राप दिया था वो अभी भी मेरा सत्य है, मतलब अभी अगले महीने आओ देख लो खुद ही तीनों नदियाँ को देख लो, आपको 3-3 किलोमीटर बाबा जी बिल्कुल एक बूंद चिड़िया को भी पानी पीने को नहीं मिलेगा। अच्छा, हेड़ाखान में मिल जाएगा वो पानी, ऊपर को इतना पानी मिलेगा और बीच में कोई बूंद भी नहीं मिलेगी। ये हुआ। जैसे आप मेले में आओगे अंदर पूरी गचागत चांदी की सतह में देखेंगे आपको, मेले के अंदर आपको भीतर नहीं आने, वो लिखा है बाबूदर, वो पुजारी के अलावा अंदर नहीं जाना है। वो भगवान के यहाँ हर रोज दिया जल जा रहा है, पूजा हो जा रही है। हाँ, वो तो है बाबा जी। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे आज। केवल 5 ही दिन दिया जलता था। अच्छा, अब ये 16 जनवरी को मीटिंग थी हेड़ाखान में, तो 17 जनवरी से मुझे भेज दिया तो मैं आ गया। अच्छा बाबा जी, ठीक है बाबा जी, प्रणाम, फिर मिलते हैं बाबा जी, फिर आते हैं, फिर बुलावा आएगा तो बोलना, आज का फिर आते हैं। तो यार गाइस, अभी आपने देखा कि बाबा जी ने यहाँ के बारे में कुछ बताया, कुछ चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही, मेरे समझ से बाहर जा रही थी, मतलब वो जिस सबसे बता रहे थे, मतलब क्योंकि वो चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने उनसे पूछा और उन्होंने हमें बताया कि मैं सोचता था कि सिर्फ यहाँ से रावण का युद्ध दिखा था शिव जी खान ने, बट यहाँ की और भी कुछ खास चाहते हैं जो आज आपको भी पता लगी और मुझे भी पता लगी पहली बार। तो अभी है ना, अभी हमारा सब कुछ, हमने पूजा पाठ कर लिया, बाबा जी से भी मिल चुके हैं और अभी हम यहाँ पे अपना खिचड़ी वगैरह बनाएंगे वेज। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो गाइस अभी बाबा जी ने ना यहाँ, जो यहाँ के बाबा जी है, उन्होंने यहाँ पे गाय पाली है। यहाँ पे खा रहे हैं, पैसे ले रहा हूँ। यहाँ पर पे बाबा जी रहते हैं। मतलब बताना गाइस हिंदी में क्या है, मुझे तो नहीं पता, मैं सर्च मार के देखूंगा, बट आप बताना आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो हमारे बाबा जी को देने जा रहे हैं।
और बाबा जी का कुटिया है सामने। तो यार गाइस खाना तो बन गया हमारा, और अभी जो है ना सीन मतलब अभी हम यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और हम सीधे चले जाएंगे घर को, और रजवा जी और अभी मैं जा रहा हूँ बाबा जी को खाना देने। फिर बाबा जी ने हमसे कहा था करके, अगर बाबा जी से हमने पूछा मतलब कि आप खाओगे कुछ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है खा लेंगे। तो उन्होंने क्या बना रहा हमने पुलाव, उन्होंने कहा ठीक है तो हमारे लिए आना मैं खा लूँगा मैं, ठीक है बाबा जी। अभी हमारा बन चुका है और हम अभी जा रहे हैं बाबा जी को पुलाव देने। तो आप देख सकते हैं यह है पुलाव रजवा जी के हाथ में और सामने बाबा जी की कुटिया। तो अभी मिलते हैं आपसे वहीं पर ही। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रजवा जी लेके जा रहे हैं बाबा जी के पास, और दिखाते हैं ये हैं बाबा जी, मतलब इस टाइप से यहाँ बाबा जी रहते हैं। बाबू जी नमस्कार। बहुत लिया है यार आप। हमने तो लगा कम हो जाएगी करके और लानी पड़ेगी। नहीं नहीं अरे बहुत है ही। चलो आप ले ही हाँ। आए हो तो पक्षी खा लेंगे। हाँ ऐसा जितनी बाकी रहेगी ठीक है नहीं। ओ और कम्बल थे 14-15 नए गांधी आश्रम के, कमाल कुछ भी नहीं। ये अंदर की कुटिया मैंने खोल करके बंद कर दी, अंदर की कुटिया वो ना हाँ उस कुटिया में रहता था मैं अंदर। अच्छा। और यहाँ बाहर से सामान रहता था और अच्छा यात्री रहते थे। अच्छा इनमें बाबा जी। अच्छा सब खत्म कर दिया हमारे पास में, फूटी कौड़ी नहीं रखी। एक दान पात्र था उसमें 16,000 रुपए निकले, बल वो भी ले गए साले। अच्छा बाबा जी, बाबा जी चोरी हुई थी बाबा जी यहाँ। हाँ सब सामान उठा लिया, सब खत्म कर रखा है यहाँ। अच्छा बाबा जी कब की बात है बाबा जी? मैं हॉस्पिटल में था ना एडमिट। अच्छा बाबा जी। हाँ तो बाबा जी कितनी पुरानी बात है बाबा जी? ये जनवरी के मैं 14-15 जनवरी को यहाँ से चले गया था। अच्छा बाबा जी। शिवरात्रि बाद उसके बाद जो है अब आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ तब बाबा जी यहाँ सब मतलब चोरी वोरी करके रखा था मतलब? सब ये सब खत्म कर रखा है मेरे को। अभी क्या हो रहे हैं, एक 2 हफ्ता हो रहा है मेरे को, करीब 1.5 हफ्ता हो रहा है वो। अच्छा वापस मतलब यहाँ पे। हाँ तो बाबा जी आप कुछ कहना चाहोगे मतलब लोगों से जो आपको अभी देख रहे हैं ना बाबा जी? क्योंकि ये अभी वीडियो शायद मैं मतलब यूट्यूब में डालूंगा बाबा जी ना, मैं चाहता हूँ कि आप जो आपने बताया ये लोगों को पता लगे कि हाँ ऐसा चोरी वगैरह हुआ है। क्योंकि हम तो बाबा जी आपका लोकली काठगोदाम से हैं, काठगोदाम रानीबाग से, तो हम लोग यहाँ बाबा जी आते रहते हैं। पर मुझे अभी ऐसा आपने बताया बाबा जी, मुझे काफी दुख हुआ मतलब कि इस टाइप से लोग मंदिर में भी चोरी करना नहीं छोड़ रहे हैं, खत्म कर गए यहाँ के। और कोई लोकल आदमी कोई बाहर का थोड़ी हाँ, ले गया ये लोकल के ही ले गए बाबा जी। हाँ तो यार गाइस जो भी देख रहे हैं ऐसा कृपया यार मत ही करो, और ऐसा आप खुद सोचो यार मंदिर में बाबा जी रहते हैं। चलो यार तुम घरों से कर दे रहे हो वो बात तो अलग है, बाबा जी आजकल नीचे कितनी चोरी हो रही है ना कि आपको मैं क्या बताऊं। और यार कम से कम मंदिर तो छोड़ दो यार, कम से कम मंदिर में तो ऐसा मत करो यार, इतना तो शर्म करो यार। और मैं चाहता हूँ यार जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ कैलाश द्वार जो है इतना फेमस है भाई, यहाँ लोग श्रद्धालु इतने दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पे बताओ यार यहाँ बाबा जी ने भी बताया 27 साल से यहाँ रहता हूँ मैं, और 27 साल से बाग बगीचा सब जंगल हो रखा है ना। हाँ भाई सब तो, और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यहाँ चोरी चकाटी। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर लोकल का ये देख रहा है वीडियो तो बाबा जी से आके यहाँ पे पूछना कि बाबा जी के परिचित जो बाबा जी को जानते हैं जिनको बात नहीं पता है कि बाबा जी आपको पूरी बात बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक्शन होना चाहिए गाइस, एक बार तो हो गया चलो अब दूसरी बार ऐसा ना हो करके कुछ ना बाबा जी को सुरक्षा रखनी चाहिए स्टेप से ना बाबा जी, क्योंकि बाबा जी यहाँ अकेले रहते हैं यार आप यहाँ जंगलों के बीच में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मतलब यार फिर से चोरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई ऐसा मतलब बहुत गलत है ये मतलब यहाँ पे, गलत क्या है कि वो लोग गलत हैं, बट ये बात मैं चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ बाबा जी के संग ऐसा हुआ है। क्योंकि यहाँ कितने लोग घूमने आते होंगे बाबा जी से पूछते नहीं होंगे, लेकिन बाबा जी ने हमें अभी बिना पूछे बताया, तो काफ़ी यार बुरा लगा मुझे सब सुन के। बाबा जी अब आपकी ये वीडियो ना अभी आप ये बात आपकी सबको पता लगेगी मतलब जो जो जिनको यहाँ पता नहीं है, क्योंकि लोग तो आते घूम के चले आते हैं। अब बाबा जी उसका आपने रिपोर्ट कराई थी बाबा जी वैसे थाने? अरे मेरे को अभी 1-1.5 हफ्ता हो रहा है आया। अच्छा तब से आप जब आप यहाँ आपको पता लगा आपने? मेरी लाइट वाइट भी सब खत्म है यहाँ, हैं मीटर लगा हुआ है मेरे पास में, मीटर लाइट है उस पोल से सब खत्म है। अंधेरे में टार्चें थी दो वो टार्चें साफ कुछ नहीं है यहाँ, अंधेरे में क्या करेगा आदमी, परेशान हो जाएगा। तो ठीक है बाबा जी आपकी वीडियो सब जाने देखेंगे। हाँ
और मैं चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। एक बार चोरी हो गई है तो यार दूसरी बार भी हो सकती है जब उसमें कोई एक्शन ना लिया जाए। तो जो भी यहाँ 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 की कमेटी के लोग हैं, मतलब जो भी ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुँच रही है तो एक बार बाबा जी से आके पूछे बातें क्या, उनकी समस्याएँ पूछे उनसे क्या है कि यार 100 में से 100 तो देखो नहीं हुई हो पाएगी, तो 100 में से 10 तो होगी सॉल्व। तो अपने हिसाब से आप बाबा जी से आके पूछे यहाँ के लोकल के लोग, बाकी मैंने तो पूछ लिया है और मैं लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ अगर हो सकेगा समाधान तो ज़रूर निकालेंगे। भाई अभी हो गया, हमें बहुत तड़प रहेंगे, मधुमक्खी आ गई थी बहुत सारी, नहीं भाग गई अभी सवन मैन। तो भाई मैंने कि भैया सोचा मैंने तो कुछ नहीं करना, ऐसे करना ऐसे कर देना भाई। एक बार और आई थी वहाँ से इंटर कॉलेज में से, कब ये वो बहुत पहले आई थी यार वहाँ। तो गाइस फिलहाल ना हमने भी यहाँ पे सफाई वगैरह कर दी है, खाना खाने खाने के बाद यहाँ पे ऐसे गंदगी फैलाना अच्छा नहीं रहता ना। अच्छा क्या मतलब ऐसे गंदगी कहीं भी आप जाओ ट्रैक रैक में या आप कुछ बनाओ जंगल वगैरह में, तो कभी भी ना ऐसे मतलब जो भी बचा कुछ होता है पन्नी वगैरह इकट्ठा कर लेना है। अभी हमने बैग में डाल दिया हो इकट्ठा करके पन्नी में पैकेज करके, तो वह हम नीचे जहाँ पर हमें कूड़ेदान दिखेगा वो तो वहाँ फेंक देंगे। और फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ जैसे गंदगी गंदगी उड़ती तो हमने भी ये साफ़ कर दिया है सारा, तो मतलब ये सब साफ ऑफ कर दिया हमने, आग बुझा दी अच्छे से। तो कोई ये मैं समझना कि भाई हम यहाँ आए थे वैसे आगे जला के चले गए ना, पूरी साफ सफाई करके गए, बट यहाँ पहले से भी कुछ पन्नी वगैरह हैं, किसी दिन आएंगे तो इन्हें साफ कर लेंगे हम। हर हर महादेव, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। सभी हम जान लेंगे आपका घर को, छह गोलू अब चलते हैं घर को। तो वाइस अब हम जान लेंगे आपका घर को, और अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। और कुछ अभी हमारा सामान बच गया था तो हम बाबा जी को दे देंगे यहाँ पर पे, और आप पीछे देख ही रहोगे सब जनों को, सब जने आ रहे हैं लाइन मारी से इकट्ठे आ रहे हैं मतलब। तो यार अब हम चलते हैं, और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। अगर आप चाहते हो मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ तो मुझे ये ब्लॉग में 100 लाइक चाहिए भाई, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बाय। तो हेलो गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, लाइक करो कमेंट करो शेयर करो बेल आइकन दबाओ।